नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गर्ग एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ थाट की सीरीज के अगले ट्यूटोरियल में। पिछले ट्यूटोरियल में दोस्तों हम लोगों ने संगीत के चार थाट के बारे में बात करी थी, तो दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के ट्यूटोरियल में हम बचे हुए छह थाटों में से तीन थाट ले रहे हैं, जो कि हैं काफी, आसावरी और भैरवी। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में हम इन तीन थाट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कौन कौन से सुर इनमें लगाए जाते हैं और कौन कौन से राग इन थाट से उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं थाट काफी के बारे में। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं थाट काफी की तरफ। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो सात स्वरों का समूह है उसके अंदर कोमल ग और कोमल नी इस्तेमाल होते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कोमल ग और कोमल नी लगा देने से इस थाट का प्रतिरूप कैसा निकल के आता है। तारे ग म प द नी सा। तो दोस्तों देखिए, इस थाट में कोमल ग और कोमल नी लगा देने से इस थाट का जो प्रतिरूप है एकदम से डिफरेंट हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राग उस थाट को प्रॉपर से व्याख्यित करता है, प्रॉपर से एक्सप्लेन करता है, तो इसका जो जनक राग है वो है राग काफी, और दोस्तों जो जन्य राग है वो है राग वृंदावनी सारंग, राग पीलू, राग बागेश्री, राग सिंदूरा, राग धनाश्री, राग भीम पलासी, राग बहार, राग शुद्ध सारंग, राग मिया की सारंग, राग मिया की मल्हार, राग सुर मल्हार, राग गोड़ मल्हार, और भी बहुत सारे राग है दोस्तों जो थाट काफी से उत्पन्न हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं थाट आसावरी की तरफ। तो दोस्तों थाट आसावरी में कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, इन तीनों स्वरों को कोमल इस्तेमाल किया गया है और बाकी के जो भी स्वर हैं वो शुद्ध इस्तेमाल किए गए हैं। तो देखते हैं इन तीन स्वरों के कोमल हो जाने से इस थाट का जो प्रतिरूप है वो किस तरीके से निकल कर आता है। तो दोस्तों ये है थाट आसावरी का स्वर गीत। इसके सुरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके की फीलिंग दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको थाट आसावरी के सुरों से पहचान हो रही है कि कुछ गंभीर प्रकृति इस थाट में से निकल के आ रही है। तो दोस्तों ये कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, ये तीनों ही स्वर इस तरीके के हैं जो थोड़ा सा गंभीरता दर्शाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में भी बताया था कि एक थाट से निकलने वाले बहुत सारे राग होते हैं और उन बहुत सारे रागों में से एक राग ऐसा होता है जिस राग के ऊपर उस थाट का नाम रखा जाता है, उस राग का नाम आसावरी है। तो इसीलिए राग आसावरी को इस थाट का जनक राग माना जाता है। और जो जन्य राग है वो है राग जौनपुरी, राग दरबारी, राग देसी, राग सिंधु भैरवी और राग अदाना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं थाट भैरवी की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि थाट आसावरी में कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी को इस्तेमाल किया गया था, और अब थाट भैरवी में कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये चारों स्वर कोमल इस्तेमाल हुए हैं जो है रे, ग, ध और नी। तो इन चारों स्वरों को कोमल कर देने से इस थाट का जो प्रतिरूप है, जो एक सुंदरता है, वो किस तरीके से बाहर आती है ये देखते हैं। तो देखिए कितना सुंदर एक प्रतिरूप निकल के आया है दोस्तों इन चार स्वरों को कोमल कर देने से। तो दोस्तों इन चार स्वरों को कोमल कर देने से इस थाट से निकलने वाली जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ी सी और ज्यादा दुखी सी महसूस होती है, मतलब एक जो इनकी जो फील है वो थोड़ी सी दुखी सी प्रतीत होती है। तो जो बॉलीवुड के अंदर जो दुखी सॉन्ग्स होते हैं, जो सैड सॉन्ग्स होते हैं, वो काफी हद तक इस तरीके के थाट से निकाले जाते हैं। तो दोस्तों थाट भैरवी से निकलने वाला जो जनक राग है उसका नाम भी भैरवी ही है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रमुख राग होता है, जो उस थाट को व्याख्यित करता है, एक्सप्लेन करता है, उसका नाम उसी थाट के नाम पर ही रखा जाता है। तो इससे निकलने वाले जो जनक राग का नाम है वो है भैरवी। तो दोस्तों जो जन्य राग है वो है राग मालकोट, राग धनाश्री, राग बिलासखानी तोड़ी, राग भोपाली तोड़ी और राग कौनसी कान्हड़ा। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। इन तीन थाट के बारे में जो मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे थाट मारवा, थाट पूर्वी और थाट तोड़ी के बारे में। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।